सो हेलो गाइज यर वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में मैं जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ड्राइंग को कंप्लीट करने वाला हूँ, और इस ड्राइंग को करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ब्रूस्ट्रो के कलर पेंसिल्स का। आप यहाँ पर किसी भी ब्रांड की कलर पेंसिल यूज़ कर सकते हो, और इस रेफरेंस फोटो की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अभी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को भूले बिना लाइक कर देना। सो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी कलरिंग स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आउटलाइन को लाइट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं नीडेबल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी भी इरेजर का यहाँ पर यूज़ करके आउटलाइन को लाइट कर सकते हो। अभी कलरिंग करना मैं जो है आई से स्टार्ट करने वाला हूँ, और आईज़ में जो आई बॉल में मैं डार्क ब्राउन कलर का यूज़ कर रहा हूँ। आई बॉल में जो है डार्क ब्राउन कलर से शेड करने के बाद जहाँ पर हमें ब्लैक एरियाज दिख रहे हैं वहाँ पर हमें ब्लैक कलर को यूज़ करना है, और आई में हाईलाइट करने के लिए मैं जो है वाइट जेली रोल पेन का यूज़ करने वाला हूँ, और यही प्रोसेस को फॉलो करके हमें दोनों आईज को कम्प्लीट करना है। अभी आई के ऊपर वाले एरिया में मैं शेड करने के लिए ब्राउन कलर का यूज़ कर रहा हूँ। रेफरेंस फोटो में हमें देखना है, और जहाँ पर ज़्यादा डार्क है वहाँ पर हमें ब्राउन कलर का प्रेशर अप्लाई करके यूज़ करना है, और जहाँ पर लाइट एरियाज है वहाँ पर हमें मीडियम प्रेशर से जो है ब्राउन कलर का यूज़ करना है। अभी मैं जो है यहाँ पर पीच कलर का यूज़ कर रहा हूँ, पीच कलर मतलब स्किन कलर का, और जहाँ पर हमने ब्राउन कलर का यूज़ किया है वहाँ पर हमें प्रेशर अप्लाई करके जो है पीच कलर को यूज़ करना है, और उन सभी कलर को ब्लेंड करने के लिए यहाँ पर मैं व्हाइट कलर का यूज़ कर रहा हूँ। अभी आईज में जहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में ज़्यादा डार्क है वहाँ पर मैं ब्लैक कलर का यूज़ कर रहा हूँ। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी फर्स्ट आई जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है। अभी दूसरी आई में भी जो है वही प्रोसेस को फॉलो करना है। सबसे पहले डार्क ब्राउन कलर का यूज़ करके आई में सेट करना है, उसके बाद ब्लैक कलर का यूज़ करना है। सो अभी आप ये वीडियो देखो, और जहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी चश्मा में जो है शेड करने के लिए लेफ्ट साइड में पूरा डार्क एरियाज है तो वहाँ पर मैं सिंपली ब्लैक कलर का यूज़ करने वाला हूँ, और राइट साइड में जो है पूरी मैं ब्राउन कलर से शेड करने वाला हूँ, और जहाँ पर लाइट एरियाज है उसको छोड़कर ही हमें शेड करना है, और इन सभी कलर को जो है ब्लेंड करने के लिए मैं व्हाइट कलर का यूज़ करने वाला हूँ। पेंसिल्स को जो है हमेशा शार्प ही रखना है, इससे जो है हमारी डिटेल्स बहुत ही अच्छी बनती है। तो अभी आप वीडियो देखो अच्छे से मैं कैसे चश्मा को ड्रॉ कर रहा हूँ, और अभी तक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। फोरहेड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले ब्राउन कलर का बेस लेयर अप्लाई किया है, उसके ऊपर जो है मैं स्किन कलर का यूज़ कर रहा हूँ, और जहाँ पर मुझे ज़्यादा डार्क एरियाज दिख रहे हैं वहाँ पर मैं ब्लैक कलर का यूज़ करने वाला हूँ। अभी यही प्रोसेस का जो है पूरा अप्लाई करना है पूरी स्किन बनाने के लिए, और अभी इतना कुछ बताने के लायक है नहीं। सो अभी आप वीडियो देखो और एंजॉय करो। आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में बता देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। सो अभी मिलते हैं नए ड्राइंग वीडियो के साथ।